दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों जो दो केमिकल मिक्स करके हमने वाशिंग पाउडर बनाया सोडियम कार्बोनेट या सोडा एश और सल्फिनिक एसिड बेहतरीन तैयार हुआ। आज उसके तजर्बे चल रहे हैं, देखते हैं इस दो केमिकल में झाग कितनी है और सफाई कितनी है। चलते हैं, वाशिंग पाउडर मशीन चल रही है, वहाँ उसको चेक करते हैं उसकी झाग कितनी आई है। ठीक है जरा सही है, घट कर इसमें शैम्पू बेस नहीं है। ठीक है, इसमें शैम्पू बेस भी नहीं है, सिर्फ दो केमिकल है, सोडा एश और सल्फिनिक एसिड, सिर्फ दो केमिकल। मुनासिब झाग है, अब सफाई कितनी होती है ये देखते हैं। सिर्फ दो केमिकल वाशिंग पाउडर में, सिर्फ दो केमिकल। दोस्तों चमक देखो, वाइटनेस देखो, न इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, न इसमें एक्सालिक एसिड है, न कोई ब्लीचिंग एजेंट है, न नैन सा बेस पाउडर है, सिर्फ सोडा एच और सल्फिनिक एसिड को मिक्स किया। समझ में आता है कितना बेहतरीन चमक के साथ झाग भी आपने देख ली। एक सेकंड में ना निकालूँ उसकी रेसिपी। हाँ जनाब, सोडा एच 88%, 880 ग्राम डाला और सल्फिनिक एसिड 12%, 120 ग्राम डाला। न इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, न इसमें सोडियम सिलिकेट है, न एक्सालिक एसिड है, न नैन सा बेस पाउडर है, न इसमें कलर दाने हैं। ठीक है, ये चमक। असल चीज़ क्या है, अगर हम केमिकल अच्छी कंपनी का ख़रीदें तो बेहतरीन रिजल्ट आता है। कल मैंने कोको बिटेन लिया था, यहाँ सखर से ख़त्म हो गया था। उसामा केमिकल मुल्तान से जो मैं केमिकल मंगवाया था वो ख़त्म हो गया, तो कोको बिटेन यहाँ सखर से लाया, उसकी क्वालिटी ख़राब है, तो हेयर शैम्पू का वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये असल केमिकल के मयार पे भी है। तो हम यहाँ देखना ये चाह रहे हैं कि सोडा एच का आप ये फार्मूला देखें, बीच में कार्बन है। ठीक है, इसको चाहिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन, तो चारों ये ऑक्सीजन को देगा। ठीक है, और सोडियम जो है वो सोडियम इसके दोनों साइड पे प्लस में आ जाएगा। मतलब कहने का ये है, तो ये सोडियम कार्बोनेट, ये कास्टिक सोडा पानी में रिलीज़ करता है, ये Na+ रिलीज़ करता है, कार्बोनिक एसिड इस पानी में रिलीज़ करता है, बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट है और जनाब अली और ये फोमिंग भी करता है। जब इतने फंक्शन ये सोडा एश कर रहा है, ठीक है ना, तो वो जनाब अली मैं ये कह रहा हूँ कि सोडा एश कार्बोनिक एसिड भी जनाब पानी में जनाब रिलीज़ करेगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी रिलीज़ करेगा यानि कास्टिक सोडा, ये पीएच को भी कंट्रोल करेगा और ये रिएक्ट करेगा किसे, H+ से भी रिएक्ट करेगा
वो खुद रिलीज करेगा ओएच ऑयल्स, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट है, स्ट्रांग एक्टिव मैटर है इसमें। आइए जनाब अली आपका सल्फ्यूरिक एसिड के पास, कि सल्फ्यूरिक एसिड बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट है, स्ट्रांग एक्टिव मैटर है इसमें। ये एच प्लस भी रिलीज करेगा पानी में और एच माइनस भी पानी में रिलीज करेगा। ये जो सफाई का मैार है ये देखें, ये हाइड्रोफिलिक भी इन दो केमिकल मिलाने से पैदा होता है मॉलिक्यूल्स। दूसरा मॉलिक्यूल पैदा होता है हाइड्रोफोबिक, ये पानी से प्यार करता है, पानी के साथ रहता है। ये हाइड्रोफिलिक जो है तेल मट्टी से प्यार करता है, उसमें जाकर चुभक जाता है। जे ये मट्टी के दाग से जैसे ही चुभेगा तो जनाब अली वो जो जिग जैग है जो कार्बन हाइड्रोजन और सोडियम की, वो जाके यहाँ इस पर टकराएंगे। ये जाके धब्बे में जनाब चुभक जाएगा मट्टी से तेल से, और ये जो है मालिकूल्स ये इसको पूरे को साफ कर देगा। ये अल्लाह मियाँ का फलसफा, आपने हमने नहीं बनाया, हम सिर्फ रिसर्च करके देखते हैं कि एटम किस तरह काम कर रहा है। तो इतने दोनों केमिकल खूबियों के मालिक हैं, दोनों केमिकल के मिलाने से बेहतरीन वाशिंग पाउडर, बेहतरीन सफाई, बेहतरीन फोमिंग कर रहा है। जो दोस्त कहते हैं ना सर वो सल्फ्यूरिक एसिड की जगह जनाब फोमिंग की जगह कोई नया केमिकल बताओ जनाब, अले सोडा एश की जगह जगह हम अगर नमक अब ज़्यादा डालें तो भाई सोडा एश का बेनतहा अमल दखल है सफाई में, झाग में, रिएक्शन में। सल्फ्यूरिक एसिड का बेनतहा अमल दखल है, तीसरे केमिकल की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। मेरा कहने का मकसद यह है, अगर घर में फंस करो कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, मेरी तरह आप आज़ाद पंछी हो, दो केमिकल ये लेके मिक्स करके रख दो, दो केमिकल मिक्स करके रख दो, आपका बेहतरीन वाशिंग पाउडर तैयार है, घर में यूज़ करो। ये मैंने मिक्स किया ना सिर्फ दो केमिकल, खुशबू की भी ज़रूरत नहीं है घर में, कलर दाने की भी ज़रूरत नहीं है, साफ्टनेस अब अगर हाथ में गए साफ्टनेस की भी ज़रूरत नहीं है, वाइटनेस और क्या चाहिए, तो वाइट ही वाइट है। तो ये भी रिसर्च है, ये फैक्ट्री की लैब में रिसर्च चल रही है, ये फैक्ट्री की लैब है, ये केमिस्ट्री की लैब या किसी स्कूल में किसी कॉलेज में नहीं है, सिर्फ फार्मूला तक महदूद नहीं है। हम दो केमिकल मिला के प्रोडक्ट बनाते हैं, हम यहाँ सोडियम कार्बोनेट और जनाब सल्फ्यूरिक एसिड मिला के जो का जो हमें प्रोडक्ट मिली, पैदावार मिली, वो है वाशिंग पाउडर। बेहतरीन रिजल्ट चल रहा है, बेहतरीन मैार के साथ ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मैं रिसर्च ये कर रहा हूँ कि जब दो केमिकल से वाशिंग पाउडर बन जाता है, ये इसकी मिकदार हम ठीक ठाक डालें, कलर दाने डालें, खुशबू डालें, दानेदार करने के लिए नैन सा बेस पाउडर डालें, डेढ़ साल नैन सा बेस पाउडर डालें, बस बात खत्म हो गई। आज तक इतना, सुपर शम्स वाशिंग पाउडर फैक्ट्री लैब से मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।